और भाई केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले यार। टेम्परेचर कुछ -5 के समथिंग है और इस -5 में हमें नहा के रेडी हो गया हूँ बाबा के दरबार में जाने के लिए। 5 बजे और 5 बजे का हाल ये है कि यहाँ से मंदिर से लेके कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक की पूरी लाइन लगी हुई है यार। सो वेरी गुड मॉर्निंग, और आज की जो सुबह होती है ना वो होती है 4 बजे एकदम ठंडे पानी में नहाने के साथ, और वो भी यार का वे देखो टेम्परेचर कुछ -5 के समथिंग है और इस -5 में हमें नहा के रेडी हो गया हूँ बाबा के दरबार में जाने के लिए। सो जस्ट जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि आज कपाट ओपन होने वाला है और आज बहुत मज़ा आने वाला है। सो सीधे चलते हैं भाई बाबा के दरबार में और मिलते हैं वहीं पर। सो फाइनली पहुँच चुके हैं यार मंदिर, और मंदिर पहुँच चुके हैं 5 बजे, और 5 बजे का हाल ये है कि यहाँ से मंदिर से लेकर कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक की पूरी लाइन लगी हुई है यार। क्विंटल फूलों के माध्यम से जो मंदिर को सजाया गया है ना, अल्टीमेट नज़ारा आ रहा है यार। आप खुद देख सकते हैं मंदिर कितना बढ़िया लग रहा है, और सही बता रहा हूँ दिल खुश हो गया यार सुबह सुबह आके यहाँ पे। सो भाई हो चुके 5:40 और बस सभी का इंतज़ार एक ही है, ओनली 6:20 का टाइम और हमें यार दर्शन करने का मौका मिले। और लाइन देखो यार खतरनाक वाली कितनी लंबी लगी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो पूरी यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ ना तो पूरी नीचे पुल तक हो चुकी है अभी तक लाइन लंबी यार। और यार सबसे बड़ा नज़ारा देखो और एक और बात भाई, टेम्परेचर है -3 उसके बावजूद भी श्रद्धालु लोग मतलब भक्त लोग इतने उमड़े हुए ना, हालत बहुत ज़्यादा खराब है भाई। सही बता रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो ना मेरे साथ सब गर्म कपड़े लेके आना, बिना गर्म कपड़े पीछे पीछे तो क्या खड़ा हो गया, साथ में एक रुमाल बड़ी वाली लेके आना, बार बार बह रही वो अलग। सो भाई फाइनली कपाट खुलने के लिए तैयारी हो चुकी है और पूरी गोली आने की भी तैयारी हो चुकी है। सो गोली और साथ में आर्मी के जवान जो बैंड वाले हैं ना वो भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ यार, और भाई सारे महंत लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑलरेडी मंदिर के पास तक। और भाई ये देखो प्रयास यार, फाइनली वो दिन है जो साल भर से लोग इंतजार करते हैं, 25 अप्रैल 2023 कपाट खुलने का दिन यार, और वो भी सबसे क्रेज वाला मंदिर पूरी इंडिया का केदारनाथ भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सो बने रहिएगा व्लॉग पर यार। और भाई केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कुछ ऐसे नज़ारे भी देखने को मिले यार। फाइनली भाई 6:15 हो चुके हैं और अब पट खुलने वाले हैं 5 मिनट में, उससे पहले ये मंत्रोच्चारण स्टार्ट हो चुके हैं। सो 5 मिनट मतलब 6:20 पे जस्ट पट ओपन होने वाले, सो बने रहिएगा। भाई फाइनली टाइम हो चुका है कपाट खुलने का और 6:20 होने वाले हैं, जिसमें पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरे महंत के सारे लोग आ चुके हैं। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और
भाई अभी भी भीड़ कितनी लगी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यार दर्शन करने के लिए। ये देखो मंदिर के कुछ ये नज़ारे हैं अभी भी, और ये सारे दर्शन के लिए इस साइड से और इधर भी, और मेरे जो दर्शन हुए थे ना इस साइड से, यहाँ से जस्ट नियर कुछ 20-25 लोग थे तो हम लोगों को डायरेक्टली अंदर भेज दिया गया और हमारे दर्शन हो गए यार, सो थैंक यू। और ऑलरेडी यहाँ से ऊपर है उधर भैरव बाबा का मंदिर उधर साइड में, सो वहाँ पर भी जाएंगे। सो भाई फाइनली 6:20 के अंदर डोली अंदर पहुंच चुकी थी, कपाट अंदर ओपन हो चुके थे, जिसका पहले बहुत ही मशक्कत करने के बाद जब मैं वापस से गया, मतलब वीडियो सारा शूट करने के बाद जब वापस से गया लाइन में लगने के लिए, तो देखा कि 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी यार, और अभी भी 2-2.5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए यार। फाइनली कुछ सोर्स मिला मुझे जिसके कारण मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा दर्शन हो गया। सो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने दर्शन कराया, और धन्यवाद करता हूँ भोले बाबा का जिनके कृपा से यार इतने जल्दी मेरे इनके दर्शन हो गए। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि मुझे भी लगता है कि यार आप लोगों को इस व्लॉग को देख के और भगवान के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, और कमेंट में जरूर हर हर महादेव बोलना है यार। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही अल्टीमेट और बहुत ही खूबसूरत से व्लॉग्स आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी जगह मैं दिखाने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।